आइए दोस्तों जानते हैं कि पितृपक्ष क्या होता है और इन दिनों में कौन सी ऐसी दो सब्जियां हैं जो भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। तो हम आपको पितृपक्ष की जानकारी देने वाले हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाले कई प्रकार की रुकावटें दूर हो जाती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से मुक्ति मिलती है। सबसे पहले आपको ये बता दे कि जिस पितृ का श्राद्ध आप कर रहे हैं उनकी मृत्यु किस दिन हुई थी, इतना जरूर याद रखें कि मृत्यु जिस दिन हुई हो उसी तिथि पर ही श्राद्ध करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ होता है उसी तिथि पर श्राद्ध कर लेते हैं, जो कि गलत है। पितृपक्ष में सभी तिथियों का अलग अलग महत्व है। जिस पितृ की मृत्यु जिस तिथि पर होती है पितृपक्ष में उसी तिथि पर उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। अंतिम संस्कार वाली तिथि को श्राद्ध के लिए सही नहीं माना जाता। दोस्तों शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ना तो पितृपक्ष के दौरान खाना चाहिए और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वयंजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृ लोक से धरती पर आते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंड दान ग्रहण करके सर्व पितृ अमावस्या की रात को चले जाते हैं। दोस्तों इसीलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। यह 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। दोस्तों ऐसे में हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूल कर भी इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वरना दोष लगता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों बड़े बुजुर्गों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा आपने यह सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजनों का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद था, तभी ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब भी भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं, या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है वे नॉनवेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं जिससे उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज लहसुन मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में इन चीजों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा जाता है। पितरों का भोजन श्राद्ध तर्पण पिंड दान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी ही स्वीकार करती हैं। उसके पश्चात ये पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज लहसुन मीट अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में प्याज लहसुन मीट अंडे इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी उनसे स्वीकार नहीं करती, और जब पितृ देव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के नियमित जो भोजन बनाए या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जो भी भोजन बनाए वे बिना प्याज लहसुन और मीट अंडे का बनाए और ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाया जाना चाहिए वो बिना प्याज और बिना लहसुन तथा मीट अंडे का होना चाहिए। ये सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डाली जाती, घोर पाप लगता है, पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं।
हैं। दोस्तों ध्यान रखें, पितृ पक्ष के दौरान आप भी प्याज लहसुन और मीट अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, शराब आदि का सेवन भी ना करें। पितृ पक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृ पक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृ पक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन देंगे तो इससे आपको पितृ दोष लगेगा। और इस बात का ध्यान रखिए, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों पितृ पक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं पर अपने लिए वस्त्र ना खरीदें। इन दिनों में नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृ पक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए क्योंकि इस दौरान हमारे पितृ देव हमारे घर के अंदर ही हमारे आस पास मौजूद रहते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। दोस्तों पितृ पक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृ दोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों पितृ पक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल दाल रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव भोजन जैसे कि पूड़ी कचौरी पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं, हलवा पूरी बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितर हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष के दौरान आप स्वयं दाल चावल रोटी आदि खा सकते हैं पर पितरों को ये भोजन ना दे। लेकिन याद रहे, पितरों के लिए जो भोजन बनाए ब्राह्मणों को जो भोजन कराए वो पका हुआ बनाया जाए, जैसे कि खीर पूरी मूंग दाल की कचौरी दही जलेबी, इन चीजों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पितृ पक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों मसूर की दाल के अलावा पितृ पक्ष के दौरान काले नमक काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान मूली लौकी खीर और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं लेकिन पितरों के भोजन में ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। पितृ पक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसीलिए इस दौरान दूध दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयां बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों पितृ पक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वह गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, ऐसी गाय के दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। पितृ पक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है, इसीलिए आप पितृ पक्ष के दौरान दूध दही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृ पक्ष के दौरान कड़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृ पक्ष के दौरान कुल्थी की दाल का सेवन ना करें। दोस्तों ध्यान रखें, पितृ पक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाए उस भोजन में आप तिल अवश्य डालें। पितृ पक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाए ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या पंच बलि लगाएं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते उसे भूत प्रेत ग्रहण करते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों पितरों के भोजन में आप काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाच से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृ पक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना गया है, इससे उल्टा कर्ज का बोझ और भी बढ़ जाता है।
दोस्तों पितृ पक्ष में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाएं। आप थोड़े से ही प्रयासों से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सब तक पहुँच सके और कोई भी ऐसी गलती ना करे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी कर दीजिए। जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।